मेरे हिसाब से जो जाने वाला पल है वो जाएगा, फेरी तो हमको नहीं मिलेगी, तो जो सामने है पल उसको कैद कर लेते अपने ड्रोन में। क्या यार, क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल आके बाबा बूबू पे लेगा, बूबू पे मतलब 220 रुपये हो गए, समझ गए, 2 गाड़ी 4 परसों। वेलकम बैक टू चैनल, होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों अभी मैं हूँ वेलनेश्वर में, और वेलनेश्वर में आके यहाँ पे बीच और टेंपल देखा था, देख के मज़ा आ गया ऐसा बोल सकता हूँ। आपको भी मस्त विजिटेड प्लेस है, फुली रिकमेंड करूँगा। तो वो सब मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था, तो अभी यहाँ से एक नया व्लॉग स्टार्ट करता, तो यहाँ से हम जाएंगे तौसल फेरी बोट, वहाँ से तौसल से जयगढ़ फेरी बोट में जाएंगे, वहाँ से गणपतिपुरे। तो बीच में जो भी कुछ आएगा आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से कुछ 18 किलोमीटर तौसल है, और वहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर रहेगा गणपतिपुरे। तो पौने 6 की फेरी, अभी 5:45 बजे, तो आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो यहाँ से कुछ 18 किलोमीटर है, जाके फिर गणपतिपुरे में स्टे करेंगे। तो भाई निकल चुके हम वेलनेश्वर से, अभी जाएंगे तौसल फेरी बोट के लिए। बीच में एक प्लेस था हमारा, लेकिन बोट छूट जाएगी इसलिए कैंसिल कर दिया, क्योंकि इतना तो ज़रूरी नहीं था वो प्लेस, लेकिन फेरी बोट ज़रूरी है, दोनों में से कुछ छूट जाएगा तो वो प्लेस छोड़ देते हैं इसकी। तो मैं कर रास्ते ढूंढ रहे साले, और कोंकण की ये जो ऐसी छोटे छोटे रास्ते पे जो गाड़ी चलाने का एक अलग ही रिदम रहता है। अगर आप इस पे मतलब आप इन रास्तों पे गाड़ी चलाओगे, यहाँ पे ट्रैवल करोगे, यहाँ का कल्चर जानोगे, तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सो प्लीज़ आइए कोंकण में, आओ कोंकण आपला दासो। तो उस रास्ते से निकल के एक अलग रास्ते पे लग गए, वहाँ से आके आगे आके राइट में लग गए, तौसल रोहिले ऐसा कुछ एसटी था, तो मतलब ये रोड तौसल ही जाता है, कंफ्यूजन था मैप में, रेंज होती है नहीं होती है ऐसा भी सीन है ना, तो ये थोड़ा इशू है। और यहाँ पे देखिए ये कौन सी झाड़ है, सुपर है ना, क्या सही है, पूरा का पूरा मतलब ऐसा बाग किया हुआ है उनका, और नीचे नारियल वाला। तो कोकर में मंदिर बड़े एकदम अच्छे किए हुए थे, एकदम नेचुरल लगते हैं। अभी कैसा है कि मंदिर भी बिल्डिंग जैसा बनाते हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। 6:45 बज चुके हैं, आई होप कि फेरी मिल जाए, क्योंकि अभी तक 9 किलोमीटर बाकी है और पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, थोड़ी सी लेट वेट हो जाए तो मिल सकते गाड़ी भरते भरते। तो अभी हम आए मार्च स्टार्ट को, तो आप थोड़ा सा एक 20-25 दिन लेट आओगे, मतलब अप्रैल के महीने तक। तो आपको मैंगोज, कैश्यूज, इसके पेड़ के ऊपर ये लगे हुए मिलेंगे, तो वो खाने में थोड़ा सा मज़ा आएगा, चारों तरफ दिख रहे हैं उसका भी मज़ा अलग है। हम सोच के आए थे कि मिलेंगे हमको, लेकिन अभी तक वो पूरा मतलब तैयार नहीं हुआ है, बस वो मराठी में बोलते मोर, वो आया है लेकिन लगा नहीं है, और जहाँ जहाँ पे है उनका जो घर होता है वो नहीं आया, ये सीन है। थोड़ा सा लेट आओगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन धूप से थोड़ा सा बचकर, या धूप होगी ही ये सोच कर आना, तो मतलब उसका तराश नहीं होगा। आप ले लो बोर्ड भेटल, हाँ 17:45 जाए चार से, तो मैं कहते तरीक नजर इधर बगून दो ना, मस्त ड्रोन शॉट ही नहीं दो, क्या बोलता है। तो यहाँ से जो सीन दिखा है ना,
हमको रोक लिया और जो सोचे थे 6:45 की जो फेरी है वो पकड़ेंगे, लेकिन 6:45 तो बच गए मेरे हिसाब से। जो जाने वाला पल है वो जाएगा, फेरी तो हमको नहीं मिलेगी, तो जो सामने है पल उसको कैद कर लेते हैं अपने ड्रोन में। तो एकदम पीसफुल बीच है, ये एक नदी का पार्ट है, यहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पे अपने फंड वापस आ रहे हैं, तो सही लग रहा है। आगे कोई कंपनी है तो यहाँ से जो नज़र है आप देख सकते हैं क्या है। तो यहाँ से एक ड्रोन लेके जाएंगे और दिखाएंगे। चुम्मा घेतला क्या यार, क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल आके बाबा बूबू पे लगा, बूबू पे बूबू पर डाला, नीचे से गया। मस्त ना खेला क्रिकेट, चला अपन पण खेलू, दिवसच घालवायचा आहे। तो यार अभी आपने जो ड्रोन शॉट वगैरह देखा सब, तो उसमें हम वहाँ पे जहाँ पे रुके थे जिस ब्रिज पे, तो वहाँ से जस्ट एक मतलब 200-300 मीटर पे ऐसा प्लेस था, मतलब ऐसा उधर से नज़ारा दिख रहा था, वही नज़ारा लेकिन एक अलग एंगल से दिख रहा था, तो वो नज़ारा मिस हो गया ऐसा लगता है हमको। लेकिन क्या है, अभी ये ज़िंदगी एक ही है, इसमें कुछ यार ये देखो यार कैसा दिख रहा है यार, सही है यार, मतलब ना कुछ मिलेगा कुछ छूटेगा ऐसा सीन है। अभी ये जो ब्रिज था यहाँ से भी लग रहा था कि यार यहाँ से अगर ड्रोन शॉट लेता यहाँ पे कुछ फोटो सेशन करते तो यहाँ पे भी बढ़िया होते, लेकिन ठीक है जो भी होता है जो भी मिलता है अच्छे के लिए मिलता है, मतलब जो छूट गया है वो वापस से कभी आएंगे तब करेंगे, क्योंकि कोकण में जितनी भी बार आओ आपका मन नहीं भरेगा। क्या टर्न था यार, सनसेट हो रहा है और बाजू में जो कंपनी का दो चिमनी है बड़ा बड़ा ऊंचा, पाड़ू व्यू है, पाड़ू व्यू किले विजयगढ़, अच्छा ये विजयगढ़ किला है। मेरा ना है मतलब एक ऐसा मन बन रहा है कि एक पूरा का पूरा, मतलब जो भी प्लेस है एक ना छोड़ के पूरा का पूरा सब कवर करके एक राइड बनाऊं गोवा तक, क्योंकि जो भी है साला सब देखने जैसा है। राइट 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 तो फाइनली हम तबसाल फेरी बोट पोर्ट के इधर आ गए और बोट तो लगी हुई है, बस भरी हुई ना हो ताकि कोनो पकड़े ना, नहीं खाली है यहाँ पे
टिकट निकालेंगे और यहाँ से फिर अंदर जाएंगे। क्या रे बोठे? ठीक है तो चलो टिकट निकालते हैं और फिर आके इधर देखते हैं जो भी है। तो फेरी का टिकट आ गया है, मतलब 220 रुपये हो गए, समझ गए, दो गाड़ी चार पर्सन। तो गेट खुल गया 7:15 बजे, मतलब परफेक्ट छूटती है। तो जो हम 6:15 बजे की देख रहे थे मिलने को, तो वो नहीं मिलती, ज़्यादा देर नहीं होती है, एक्यूरेट टाइम पे ही छूटती है। एक 2-3 मिनट या 5 मिनट तक आप पकड़ सकते हो, उसके ज़्यादा नहीं। अभी मैंने पूछा उधर जो टिकट काउंटर है वहाँ पे, तो उनको पूछा तो वो बोल रहे थे कि ज़्यादा मिनट नहीं, जो टाइम है उस हिसाब से ही छूटती है। तो आप 10-15 मिनट अगर लेट हो रहे हो तो 1 घंटा आके वापस इधर रुकना पड़ेगा। मैंने पूछा क्योंकि मेरे को ड्रोन शॉट लेना था, अगर 5-10 मिनट और रुकता तो पूरा एक ड्रोन शॉट ले लेता, लेकिन ठीक है अभी क्या कर सकता है। बोट रेडी है, हम रेडी है, और एक गूंगा किधर गया? हाँ वो आ रहा है, आ रहा है, ठीक है तो जा रहे हैं अभी। फाइव हो चुके हैं और फेरी बोट का इंजन चालू हो गया है, तो हॉर्न दिया है अभी। ये देखिए यहाँ से वो जो रस्सी है वो छोड़ रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट 6:45 का जो टाइम है उसी हिसाब से फेरी बोट छूटती है। तो अगर आप लेट आने वाले हो तो सोच लीजिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत टाइम पास करके अगले 1 घंटे में रहती है, 5:45, 6:45 ऐसा कुछ टाइम है। तो बंदर ऊपर चले गए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लॉक कर रहा हूँ बाइक, यहाँ पे लगा दी। ये मेरी 2 बाइक है और 4 लोग हैं, एक गोरख जी यहाँ पे और मेरी यहाँ पे। तो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, तो बस रस्सी निकालने के लिए 2-4 मिनट रुकते हैं। और ए गोरख, गोरख टिकट पाइजे, टिकट टिकट, ठीक है ठीक है, या मुबारती चल। तो फाइनली ऊपर आ गए, अभी थोड़ा आराम से बैठेंगे, बैठेंगे बैठेंगे लेटेंगे, ज़्यादा गर्दी नहीं है तो ठीक है। सब अलग अलग एक्सपीरियंस है और अलग अलग एक्सपीरियंस की कहानी अलग अलग होती है, तो इसलिए सब इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे कुछ लाइफ जैकेट्स रखे, सही है। तो हो गया, यहाँ पे एक जेलीफिश दिख रहा है और बोट स्टार्ट हो गया। और हमने जो गुजरात का फेरी बोट का जो एक्सपीरियंस दिया था वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, वो तो क्या ह्यूज बोट थी, ये थोड़ी ठीक ठाक है। तो ये बोट है, यहाँ से निकल के फिर वहाँ तक जाएगी। वो देखो वो जो स्कूटी वाला है वहाँ पे छूट गया, वो हॉर्न मार रहा है, लेकिन अभी इतना घुमाया तो फिर वापस नहीं आएंगे। एक्यूरेट टाइम है तो सोच लीजिएगा, अगर टाइम हो रहा है आपको टाइम से आ जाएगा। तो हो गया अपना फेरी बोट का एक्सपीरियंस डन और निकल आए फेरी बोट से बाहर। यस यस, सो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड आ गए और गोप्रो की बैटरी डेड हो गई तो यहाँ से अभी चेंज कर ली। गोरख का भी कुछ बैटरी का चार्ज पे लगाया उसने सारा डायरेक्ट, सही है सही है। चलो तो गणपति पुले अभी यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर रहेगा, 20 तो पकड़ लो, 25 का कुछ पता नहीं, लेकिन मज़ा आ गया भाई, ऐसी राइड में मज़ा आ गया। तो फेरी से उतर के थोड़ा आगे आके एक जो गणपति पुले वाला रास्ता है उस रास्ते पे लग गए और यहाँ से कुछ 18-19 किलोमीटर का रास्ता है। फाइनली वी आर रीचिंग गणपति पुले। वाइबे 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 वेलकम बे।
चल बे हट बे। फाइनली वी आर रीचिंग इन गणपति पुले। ये राम मंदिर का कमान सामने, आपके सामने। और यहाँ पे अभी गोरख और मेरा थोड़ा सा मिसिंग लोकेशन हो गया, तो अभी जाके देखते हैं कहाँ पे। ये रहा गणपति का कमान, रूम देख के आगे फिर पहले रूम देखना है भाई, रूम देखना है। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.